हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारे हिंदी की पाठ्यपुस्तक के पद भाग की कविता चल रही थी, ग्राम श्री कविता, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। जन्म सन 1900 में और मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, कविता की जो पंक्तियां हैं उसमें कवि ने प्रकृति के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, वहाँ के हरे भरे भूभाग का वर्णन किया है, खेतों में जो फल लगे हुए हैं, किस प्रकार की सब्जियाँ खेतों में उगाई हैं, उनका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। कविता की पंक्तियाँ हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेल, आंवले से तरों की डाल चढ़ी, लहले पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इसमें कवि ने वसंत ऋतु में जो खेतों में फल और सब्जियां उगाए हैं उनका वर्णन करते हुए कहा कि पीले मीठे अमरूदों में जब अमरूद के फल पक जाते हैं तो उनका रंग पीला हो जाता है और वो मीठे हो जाते हैं। अब लाल चितियां पड़ी, अमरूद के फल पक जाते हैं तो उन पर लाल लाल निशान दिखाई देते हैं। चितियां का अर्थ होता है निशान। निशान या चित्र भी कवि कहता है कि अमरूद के फलों पर लाल रंग के निशान पड़ गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि अमरूद के फल अब पक चुके हैं और मीठे हो गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेल। बच्चों, कविता की पंक्तियों में हमने कल पढ़ा था कि जंगल में झरबेरी बेर के फलों से लद चुकी है, अब वे बेर सुनहले रंग के, सोने के रंग के, सुनहले का अर्थ होता है सोने के रंग के। सुनहले रंग के, सुनहले का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुनहरे रंग के पक गए हैं सुनहले मधुर बेर, बेर भी वृक्षों पर पक कर सुनहरे रंग के हो चुके हैं, अर्थात वे पक कर तैयार हो चुके हैं। आंवले से तरों की डाल जड़ी, तरों का अर्थ होता है वृक्ष। जब आंवले के वृक्ष पर आंवली छोटा आंवला, जब आंवले का वृक्ष पर आंवले लगते हैं तो शुरू में उनका जो आकार होता है छोटा आकार, उसी कवि ने आंवली कहा है। उन छोटे आकार की आंवलों से तरों की डाल जड़ी, वृक्ष की डाल जड़ गई, अर्थात छोटे आंवले वृक्ष की डाल पर लदे चुके हैं और वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी गहने में मोती जड़े हुए हों। लहलहे पालक मह मह धनिया, लहलहे का अर्थ होता है लहलहाना। खेतों में पालक की सब्जी लहलाने लगी है, मह मह धनिया, मह मह का अर्थ होता है महकता हुआ, महकना। और जब धनिया खेतों में उगता है तो उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है और पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। लौकी और सेम फली, लौकी और सेम की फली खेतों में फैल चुकी हैं, मखमली टमाटर हुए लाल, और टमाटर की जो सब्जी है वो भी पककर लाल हो चुकी है, जिसको कवि ने मखमल की उपमा दी गई है। जब मखमल है कि बहुत ही कोमल वस्त्र होता है, टमाटर भी जब पक जाते हैं
तो मखमल के समान लाल और कोमल दिखाई देते हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली और मिर्च के पौधों पर मिर्च ऐसे लटकी हुई हैं, ऐसे लगी हुई हैं जैसे कोई हरे रंग की थैली लटकी हुई हो। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने खेतों में उगाए फलों तथा सब्जियों का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। यहाँ पे अमरूद के जो फल है उन पर तितलियां पड़ना किस बात की निशानी बताई है कवि ने कि अब वे पककर पीले हो गए हैं और उनके जो खाने का स्वाद है वो भी बदल चुका है, वे मीठे हो गए हैं। बेर भी पककर किस रंग के हो जाते हैं? सोने के रंग के हो जाते हैं। और जब बेरों का सुनहरा रंग हो जाता है तो इस बात का प्रतीक होता है कि वे भी अब पककर मीठे हो गए हैं। खेतों में वसंत ऋतु में जब खेतों में पालक उगता है तो वह हवा के कारण लहराने लगता है और धनिए की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है, पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। खेतों में लौकी और सेम फली इस प्रकार से फैल जाती है, जो वहाँ की जो हरियाली है उस हरी भरे भूभाग है उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। टमाटर भी मखमल के समान पककर लाल हो चुके हैं और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्च भी एक बड़ी हरी थैली की समान मिर्च के पौधों पर लटकी हुई है। धन्यवाद।